हमने 21 से 24 नवंबर तक बनारस में जो उत्तर एवं उत्तर पूर्व हिंदू अधिवेशन का आयोजन किया था, उसमें जो प्रस्ताव पारित किए और उसमें जो आगामी योजनाएं बनाई है उसके बारे में जानकारी देने हेतु तो आज का ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इसमें भारत को संवैधानिक तौर पे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, बहुसंख्यक हिंदुओं की धर्म संस्कृति परंपराओं को संवैधानिक स्तर पर अधिकार मिले, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक नैतिक समर्थन दिया है, गो हत्या बंदी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, फिर कश्मीर का जो 370 कलम है उसको हटाया जाए, कश्मीरी हिंदू जो विस्थापित हुए हैं उनका पुनर्निवास करने के लिए पनून काश्मीर की स्थापना हो, ऐसे अनेक विषयों पर हमने प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजने का तय किया है। ये अयोध्या में जो धर्मसभा हुई उसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है आगे की राम मंदिर को लेकर? धर्मसभा किया वो अच्छी बात है और उसका स्वागत करना चाहिए, मगर जो भारत के हिंदुओं की भावनाएं, उनके मन में ये भाव आ रहा है कि ये काफ़ी विलंब हुआ है, 4.5 वर्ष, 2014 में ही ये धर्मसभा हो कि अगर ये दबाव बनाया जाता और राम मंदिर अब तक बन जाता था तो वो सबसे अच्छी बात होती, ऐसे हिंदुओं की मनोभाव है।